अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं हम इस कलरफुल वंडरफुल चाट, चना जोर चाट के साथ। और इसकी फुल रेसिपी आपको मैं जो नेक्स्ट चैनल, दूसरा चैनल मेरा है जिस पे रेसिपीज मैं शेयर कर रही हूँ, कुक लाइक शहला, वहाँ आप पे आपको ये मिल जाएगी। और ये रमज़ान का ब्लॉग चल रहा है, अभी रमज़ान से रिलेटेड वीडियोस चल रहे हैं, तो ये मैंने उसमें डाला है। आपका आज का थोड़ा सा जो मेरे क्लिप्स शूट हुए थे मुझसे, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद अफ्तार के बाद फिर मैं ये रात में जो तैयारी मैंने की थी खाने की, आजकल मुझसे नहीं हो पाता दिन में बनाना, बहुत ज़्यादा मतलब लो सा लगता है, तो मैं रात में अफ्तार के बाद बना लेती हूँ। तो गोश्त वगैरह का वाह खा खा के दिल बोर हो चुका था, तो मैंने सोचा चलिए भुर्ता बना लिया जाए, आलू का क्यों ना। तो बस मैं आलू का भुर्ता बना रही थी, क्योंकि बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं आलू के पराठे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना यही बनाया जाए। तो जब मैं बना रही थी तो मैं शूट भी कर लिया, मैंने कहा चलिए आप लोग देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्या करती हूँ। उसी बहाने बहुत से लोग हैं जो देख लेंगे, स्पेशल माय मम्मा, माय मदर। वैसे सब लोग ज़्यादातर अपनी मम्मा के और जो भी उनकी मतलब सास होती हैं उनके हिसाब से ही मतलब बनाते हैं, जो उनका तरीका होता है। वैसे पता है मुझे शादी से पहले ज़्यादा कुछ नहीं आता था बनाना, दाल चावल रोटी बस ये। और शादी भी बहुत जल्दी एक महीने में सडनली हो गई थी, तो बाकी सारी चीज़ें मैंने जो था, मुझे कुकिंग का शौक़ है शुरू से ही, मैं बिगाड़ती थी बनाती थी। अम्मी कुछ नहीं कहती थी कभी भी, कहती थी नहीं चलो ठीक है। पापा भी बहुत खुश होते थे, बच्चे भाई भी खा लेते थे खुशी खुशी के, चलो जो भी बनाए। तो मुझे शुरू से बहुत शौक़ था, मैं गुलाब जामुन भी बहुत बनाती थी और बिरयानी भी बहुत, तो वो बनती नहीं थी लेकिन कभी सही, लेकिन फिर भी बनाती रहती थी, मैं कोशिश करती थी। तो लेकिन अब मुझे आ गया है सब, धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको बताऊंगी मैं कैसे क्या बनाती हूँ। और बच्चों की फरमाइश पे बनी थी सुबह खीर दोपहर में, और ये मैं बना रही हूँ पूरी, ताकि बच्चे खा सकें खीर पूरी, और पूरियों के शेप पे मजा आए, क्योंकि आटा अम्मी ने गूंदा था और अम्मी आटा बहुत हार्ड गूंदती हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कितनी मेहनत लगा लगा के उनको बेल रही हूँ, तो वो मुझसे इतना हार्ड आटा गूंद नहीं पाता है, तो अम्मी बहुत ज़्यादा हार्ड गूंदती हैं। तो ये बच्चों को बड़ा पसंद है, हमारे खीर पूरी शौकीन हैं, तो वो दादी से कह देते हैं क्योंकि मीठा उनको बहुत शौक है बनाने का, तो खीर उन्होंने ही बनाई थी। और बाकी ये पूरियाँ वगैरह जो हैं, नमकीन का शौक मुझे ज़्यादा है, तो सारी जितनी भी होती हैं स्पाइसी और ये सब चीज़ें, तो ये सब मैं बनाती हूँ। और ये देखिए कितनी यम्मी सी खीर बनी हुई है और पूरियाँ, जो कि बच्चों ने सबने बहुत शौक से खाई। और मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मैं दही में कैसे जमाती हूँ, मैंने सोचा कि चलिए ये अभी आपको दिखाती हूँ मैं कि मैं दही कैसे जमाती हूँ। तो मैं रोज़ जमाती हूँ लगभग, कभी एक दिन बीच छोड़ के जमाती हूँ, क्योंकि रोज़ हमारे यहाँ लस्सी वाला जो शरबत होता है रूह अफ़ज़ा का, वो बनता है, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। तो मैंने ये भी सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, ये जब जम जाता है थोड़ा रात में मतलब 7-8 घंटे के बाद, फिर मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर ये देखिए उसके बाद कितना अच्छा जम गया है, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। खूब अच्छा मलाईदार और क्रीमी सा बढ़िया सा, ये देखिए कितना अच्छा सा दिख रहा है। इसको बाउल में निकालते हैं, ये क्रीमी क्रीमी सा बिल्कुल, और फ्रेश, सबसे अच्छी बात है कि फ्रेश रहता है। और बस कभी हम इसका कुछ बना भी लेते हैं, दही वगैरह जो अपन दही बड़े होते हैं चीज़ें होती हैं दही बघार लेते हैं। और ये कि मेरे बच्चे, मेरा शहजादा जो है, मेरा जुहान मेरी जान, तो ये बड़े प्यार से मैंगो शेक पी रहे थे। अफ्तार में कुछ भी नहीं खाते हैं, ये सिर्फ कचरा करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब घर में कोई चीज़ एक जगह रह नहीं सकती, तो ये बड़े मज़े कर रहे थे। तो मैंने इनके सामने कैमरा लगा दिया था, मैंने कहा देखें क्या क्या करते हैं, तो ये बहुत खुश थे। और आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हैं कि जहाँ कैमरा मतलब सामने हुआ नहीं, उनके आया नहीं, और वो बेहतरीन पोज देना शुरू हो जाएंगे, फुल एक्टिंग और फुल मतलब मूड में आ जाते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है। तो बस ये बहुत प्यारी प्यारी हरकतें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के। मैंने वैसे तो उनको अब्बा को दिखाने के लिए किया था ये सब रिकॉर्ड,
लेकिन मैंने सोचा चलिए इतना प्यारा लग रहे हैं माशाल्लाह, तो मैंने कहा चलिए शेयर करते हैं, इनकी नानी भी देख लेंगी। और ये देखिए कितने फुल गंदगी भी कर रहे थे खूब इधर से उधर, बस जो ये चाह रहे थे ना बस वो ये कर रहे थे खूब, उसमें से डाल डाल के इधर गिराना। और डर मुझे इतना लग रहा था कि गिलास जो गिलास उसका है कांच का, कहीं ऐसा नहीं कि इनकी आदत है कि ये फेंक देते हैं पानी पी के, अपने जो इनके टाइम कप है उसको फेंक देंगे, बॉटल है उसको फेंक देंगे, मतलब जो भी चीज़ इनके हाथ में होती है खा पी के ये सीधा उठा के बस फेंक देते हैं उठा के, दोबारा उनको मतलब नहीं होता उस चीज़ का। फिर उनको जब दोबारा चाहिए होता है तो फिर उसे ढूंढना पड़ती है कहाँ है। तो बस ये इस तरीके से कर रहे थे हरकतें, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं, शेयर करते हैं इनकी नॉटी नॉटी सी प्यारी प्यारी सी शरारतों को। और आपको पसंद आ रहे हैं व्लॉग तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, बताइए हमें और आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नया होना चाहिए। और बाकी आगे नया तो बहुत कुछ होने वाला है, अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिज़ी चल रहा है, इंशाल्लाह फ्री होके करते हैं। और आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब आप चाहते हैं देखना व्लॉग में, या आपको व्लॉग कैसे अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना आपका। और ये देखिए कितनी अच्छे से डिज़ाइन मतलब बना रहे हैं, ड्राइंग हो रही है बेहतरीन खूबसूरत, मम्मा का असर इनके अंदर भी है थोड़ा थोड़ा, इसलिए ये ड्राइंग बना रहे हैं प्यारी प्यारी से। वो कितने खुश हो रहे हैं कि देखिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन हम पर फोकस है, पूरा कैमरा है, सारे लोग ऑडियंस बन के हमको देख रहे हैं, फुल सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था इनको, ऐसा लग रहा है कितने खुश हो रहे हैं वो देख के। चलिए इनकी यही प्यारी प्यारी शरारतों के साथ में हम व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और दुआ में याद रखिए और बताइए प्लीज़ कमेंट्स करके आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।